सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मुझे काफ़ी फ़ोन्स मिले हैं, विंटेज फ़ोन्स, लाइक पुराने नोकिया के फ़ोन्स। सो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ मुझे कौन से फ़ोन्स मिले हैं। तो ये पूरा मैंने अराउंड लाइक 10,000 के अंदर ही ख़रीदा है। सो इसके अंदर काफ़ी यूनिक डिवाइसेस है और काफ़ी पुराने डिवाइसेस जो मुझे चाहिए थे। तो फाइनली इसे हम अनबॉक्स करेंगे और हम देखेंगे क्या क्या फ़ोन है इसके अंदर। So let's start, get started। तो यहाँ पे मेरे पास अराउंड लाइक 12 to 13 फ़ोन्स है जहाँ जो मैंने ऑर्डर दिया है। सो बहुत सारे फ़ोन्स मुझे काफ़ी सस्ते में मिला है, तो कुछ फ़ोन्स चलते नहीं है और कुछ फ़ोन्स चलते भी है। साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे मैंने और बहुत सारे पार्ट्स भी ख़रीदे हैं ताकि मैं दूसरे फ़ोन्स में भी यूज़ कर सकूँ। तो इसका वीडियो मैं अलग टाइम पर बनाऊँगा, मैं तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम इसे साइड में रखते हैं और एक एक फ़ोन हम देखते हैं। तो पहला फ़ोन है ये वाला, तो ये है नोकिया नोकिया 9500। सो ये है कंपॉस बॉक्स वाले फ़ोन बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लैपटॉप जैसा फ़ोन है। यहाँ पे कीबोर्ड है और यहाँ पे स्क्रीन, और यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीन है, यहाँ पे नॉर्मल कीपैड है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये लाइक एकदम स्क्रैप फ़ोन है। ये मुझे अराउंड 300 में मिल गया है, सो मैंने ये उठा लिया। सो इसे मैंने स्टार्ट करके देखा है, ये एटलीस्ट इसका स्क्रीन वाइट होता है, स्क्रीन वाइट ऑन दिखता है, मतलब कोई भी लेटर्स कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फिर इसे फ्यूचर में देखने वाला हूँ कि इसे कैसे फिक्स किया जाए। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक फ़ोन है जो काफ़ी अच्छा बन जाएगा अगर इसे मैं बना पाया तो। ये भी वाइड स्क्रीन आ रहा है और यहाँ पे भी वाइड स्क्रीन आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी शायद डिस्प्ले इशू और या फिर इसका चिप लेवल इशू, अगर ज़्यादा इशू रहेगा तो मैं इसे स्क्रैप कर दूँगा और इसके पार्ट्स यूज़ कर लूँगा एक नए मॉडल दूसरे फ़ोन में, जो मुझे अगर फ्यूचर में मिल जाता है तो सेम मॉडल का, तो वहाँ पर मैं ये यूज़ करूँगा। तो इसका बैटरी भी मेरे पास है नहीं, पर मैंने यहाँ पे BL5C कनेक्ट करके मैंने टेस्ट कर चुका हूँ। काफ़ी डिफ़िकल्ट था पर मैंने टेस्ट कर दिया है और ये तो ऑन तो हो रहा है, ये इतना तो फॉर श्योर है। चल इसे रखते हैं और दूसरा फ़ोन देखता है। सो यहाँ पे ये दूसरा फ़ोन है, ये है नोकिया का E62। ऐसा है E61 फ़ोन आता है सेम मॉडल का, बट ये वाला जो मॉडल है ये E62 है। अगर मैं फोकस करके दिखा सकूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये E62 मॉडल है। E62 आई भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे कैमरा नहीं है। सो ये है E62 का मॉडल। ये भी मुझे अराउंड लाइक 250 में मिल गया। मैंने इसे भी ऑन करके देखा, बट ये ऑन हो तो हो रहा है लेकिन इसमें भी वाइड स्क्रीन आ रहा है। और इसका बैटरी ऑलमोस्ट सेम है, ये BH5L समथिंग बैटरी यूज़ करता है, जो मेरे पास है नहीं अभी के लिए। बट मैंने BL5C से मैंने इन दोनों को स्टार्ट करके देखा और ये दोनों में वाइट कलर का वाइड स्क्रीन इशू है। और मुझे ये 250 में मिल गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा प्राइस में मिल चुका है। सो देखते हैं फ्यूचर में अगर इसे फिक्स कर सकते हैं तो। मुझे ऐसा एक फ़ोन तो चाहिए था, इक्वालिटी वाला, ये काफ़ी वाइड फ़ोन है, लाइक दिस इज़ द समथिंग डिफरेंट। मेरे पास है बाकी क्वालिटी फ़ोन लाइक E71, E72, E63 और बहुत सारे अलग नोकिया के फ़ोन्स है क्वालिटी वाले, बट ये थोड़ा अलग फ़ोन लगा मुझे, काफ़ी यूनिक, काफ़ी वाइड। तो देखते हैं कि कैसे ये चलता है, फिक्स कर सकता हूँ या नहीं। चलो देखते हैं बाकी। सो दूसरा फ़ोन है, ये नोकिया का 6600। इसे कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं इस फ़ोन को। सो मुझे ये वाला एक फ़ोन मेरे कलेक्शन में चाहिए था, तो मैं इसे काफ़ी ढूंढ रहा था, तो फाइनली मुझे ये वाला एक मुझे ये फाइनली ये वाला फ़ोन मुझे मिल गया। लेट मी फोकस। जैसे कि तो ये तो चलता है फ़ोन, और लेट मी शो यू अगर मैं दिखा सकूँ तो। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये चलता हुआ फ़ोन है। सो ये मुझे अराउंड लाइक 800
के अराउंड मिल गया। मुझे भी प्राइस एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने क्योंकि लॉट में लिया है तो इसका प्राइस भी अराउंड मैंने वही सस्ता ही मिला मुझे काफ़ी। तो मैंने ये उठा, मुझे एक वाइट और ब्लैक में चाहिए था बट अवेलेबल नहीं था, मतलब एक अवेलेबल था बट उसका जो कैमरा लेंस है वो एक वाइट और ब्लैक में भी अवेलेबल था बट इसका जो कैमरा लेंस था वो टूटा हुआ था, तो मुझे ये वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ा जो कि काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है। तो फिर मैंने बोला कि चलो इसे ही ले लिया जाए, फिर फ्यूचर में मे भी शायद मैं और एक फ़ोन उठा लूँ, ये शायद बेच दूँ, लेट्स सी। पर ये तो चलता हुआ फ़ोन है जैसे कि आप देख सकते हो। सो इसे अंडा वाला फ़ोन भी कहा जाता था, तो ये काफ़ी यूनिक फ़ोन है, तो एक तो कलेक्शन में बनता ही है, तो इसीलिए मैंने इसको उठा लिया। तो ये मुझे अराउंड 800 के आसपास पड़ा, तो आई थिंक दिस इज़ द गुड डील, तो मैंने इसे ले लिया। मे बी इन फ्यूचर में मैं वाइट और ब्लैक का सर्च करूँगा, अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं इसे सेल आउट कर दूँगा, बिकॉज मुझे एक ही पीस काफ़ी का ज़रूरत था और मुझे ये मिल चुका है, जो इसे मैं शट डाउन कर देता हूँ। और हाँ, ये बिना सिम का फ़ोन ऑन ही नहीं होता, इसलिए मैंने एक यूज़लेस सिम मैंने इसमें इंस्टॉल करके रख दिया है, मतलब इंसर्ट करके रख दिया है। अब दूसरा फ़ोन है ये वाला, ये है नोकिया का 2300 2300। सो ये भी वन ऑफ द यूनिक फ़ोन है जो मुझे चाहिए था, तो मुझे ये काफ़ी सस्ते में मिल गया। एक सेकेंड, तो ये है नोकिया का 2300, तो मुझे ये भी मिल चुका है काफ़ी सस्ते में, बट इसका एक प्रॉब्लम है कि ये वहाँ इसका जो फ्रंट है वाइट वाला वेरिएंट है और पीछे जो है ये ब्लैक कलर का कवर, तो पर मैंने ये उठा लिया बिकॉज ये ओरिजिनल बॉडी है, बिकॉज ओरिजिनल बॉडी मिलना अभी काफ़ी मुश्किल है, तो ये मुझे मिल चुका है, तो मैंने बोला कि क्यों ना ये यूज़ कर लिया जाए और फिर बाद में देखा जाए कि इसके बाद मुझे कुछ और मिलता है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये तीन फ़ोन हो चुके हैं, एक फ़ोन तो बंद हो चुका है, मे भी शायद मैं उसको एक फ्यूचर वीडियो में इसको फिक्स करने का ट्राई करूँगा, मे भी शायद उसका वीडियो भी बनाऊँ, लेट्स सी कैसा जाता है ये वीडियो। सो यहाँ पे ये नोकिया का 2300 ये भी वर्क करता है, पर अभी इसमें सिम कार्ड तो इंसर्ट नहीं किया है, तो मे भी शायद ये स्विच ऑन हो पर इसमें खेल नहीं सकूँ, यूज़ नहीं कर सकूँगा बिकॉज सिम कार्ड नहीं है, पर ये वर्किंग कंडीशन है। आई थिंक द स्पीकर इज़ नॉट वर्किंग, तो मे भी शायद इसका स्पीकर भी मैं फ़िक्स कर दूँ फ्यूचर में, बट ये एक फ़ोन है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट नोकिया फ़ोन था, लाइक बैक इन 2006 मैंने ये फ़ोन ख़रीदा था, तो बिकॉज़ ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज इसमें पॉलीफोनिक टोन्स है, और इसमें अच्छा है कि इसमें रेडियो था वो टाइम पे, बिकॉज वो टाइम पे म्यूज़िक प्लेयर वाले फ़ोन्स तो हार्डली कोई थे, बट सारे महंगे थे, लाइक 2600 जैसे कि ये वाला एक फ़ोन था जो लाइक मुझे अराउंड 3500 में मैंने ख़रीदा था 2006 में। तो दिस वॉज माई फर्स्ट फ़ोन, तो मुझे ये कॉपी चाहिए था, तो मैंने ये एक ओरिजिनल ले लिया। हम नेक्स्ट फ़ोन देखते हैं, ये वाला। सो ये है नोकिया का 6230i, बिकॉज इसमें 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये फ़ोन एक्चुअली फ़िलहाल तो अभी यूजलेस है, बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि ये वोडाफोन लॉक्ड है और मैंने इसमें लाइक मोर देन फाइव अटेम्प्ट यूज़ कर चुका हूँ, तो ये अभी परमानेंटली लॉक हो चुका है, और बिकॉज ये सिम कार्ड के बिना फ़ोन नहीं चलता, तो जब तक मैं इसमें सिम इंस्टॉल ना करूँ तब तक ये चलेगा नहीं, और इस पे वोडाफोन का सिम मैं ट्राई किया हूँ पर नहीं चला। तो और ये मुझे अराउंड 250 रुपीज़ में मिल चुका था, पर इसका बॉडी काफ़ी अच्छा था, लाइक एकदम मिंट कंडीशन में, लाइक थोड़ा स्लाइट स्क्रैचेस है, पर मैंने सोचा कि इन फ्यूचर में मैं यही सेम दूसरा मॉडल मिल जाता है तो मैं इसका स्वैप करके ये वाला बॉडी रख दूँगा और इसे एक फ़ोन बना दूँगा। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसमें लाइक मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन है, जैसे दिखा सकूँ तो यहाँ पे मुझे एक 32 MB का भी मेमोरी मिला, 32 MB का, तो एक अच्छा ऑप्शन भी है कि मैं फ्यूचर में भी इसमें कुछ डेटा इंस्टॉल कर सकूँ, गेम्स या फिर गाने या कुछ भी, जस्ट फॉर फन। तो ये एक फ़ोन है, ये 6230
हाई। ये इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन भी 208x208 है, काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन वाला फ़ोन है। तो ये काफ़ी यूनिक लगा मुझे, डिज़ाइन में भी काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने बोला कि इसे एक मेरे कलेक्शन में तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट फ़ोन है, ये कौन सा है, सो ये वाला है नोकिया 6303। सो ये भी एक यूनिक फ़ोन है जो मुझे काफ़ी पसंद आया, तो इसीलिए मैंने इसे भी मैंने अपने कलेक्शन में ऐड कर दिया है फाइनली। ये इसका बैक मेटल है और इसका फ्रंट बॉडी भी मेटल है। ये भी वर्किंग कंडीशन में फ़ोन है। इसमें भी BL5 ओके, इसमें दूसरा बैटरी लगेगा जो मेरे पास अभी एक सेकंड। सो यहाँ पे BL4CT बैटरी यूज करता हूँ, सॉरी इसका बटन वहाँ पे है। सो ये भी वर्किंग कंडीशन फ़ोन है और ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है मुझे, लाइक ये 6300 जैसा फ़ोन है। मुझे ये वाला फ़ोन एक तो कलेक्शन में चाहिए ही था और काफ़ी स्लिम में काफ़ी यूनिक फ़ोन लगा और ये लाइक एक पॉकेट में लेके भी घूम सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसे सेकेंडरी फ़ोन की तरह यूज़ करूँ कुछ दिनों के लिए और देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें से कोई भी एक फ़ोन लाइक एवरी वीक में फ़ोन अगर स्वैप करके एक बार लाइक मतलब 2023 में कैसे लगता है ये फ़ोन यूज़ करना, अगर आपको उसके बारे में भी रिव्यू चाहिए लाइक वो भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट डाउन में बोल सकते हो कि ये फ़ोन यूज़ करो, वो फ़ोन यूज़ करो। तो मैं इसे फ़ोन एज अ फॉर अ वीक यूज़ करूँगा और देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है आज के जनरेशन में, बिकॉज आज के जनरेशन में तो ऐसे फ़ोन आ चुके हैं लाइक सैमसंग के बड़े बड़े फ़ोन्स, पर ये फ़ोन यूज़ करना इजी है कि नहीं वो पता चल जाएगा। सो ये है 6300, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसमें मेमोरी कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हो और ये फीचर फ़ोन ये S40V3 फ़ोन है, V3 मॉडल है। सो ये सिम्बियन फ़ोन नहीं है बट ये S40 वाला फीचर फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। सो इसका भी फुल रिव्यू मैं इसका फुल डिटेल रिव्यू भी लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे, सो सब्सक्राइब कर देना। चलो इसे शट डाउन करते और देखते दूसरे फ़ोन। नेक्स्ट फ़ोन है ये वाला, सो इसका मॉडल नंबर मुझे भी याद नहीं आ रहा है वैसे तो, पर इसका मॉडल नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है 6208 क्लासिक। सो ये भी एक यूनिक फ़ोन है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने ये भी मुझे अराउंड लाइक 200 पे मिल गया और 200 में मिला। सबसे अच्छी बात है कि इसका स्क्रीन वर्किंग है, काफ़ी बड़ा स्क्रीन है इसका, चलता है स्क्रीन, सिर्फ बॉडी डैमेज है और यहाँ पे एक स्टाइलस होता था जो मिसिंग है, नो प्रॉब्लम बिकॉज आई थिंक ये टच स्क्रीन है बट ये भी नहीं चल रहा है, बट स्क्रीन चलता है, स्क्रीन में सब कुछ दिखता है। मैं इसे ऑन नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, फिर फ्यूचर में इसका वीडियो बनाऊँगा बिकॉज लाइक काफ़ी टाइम हो जाएगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है, कलेक्शन में ऐड कर दिया मैंने इसे। अब ये वाला फ़ोन देखिए, आपको तो पता ही है कौन सा फ़ोन होगा, भले ही कंडीशन ख़राब हो पर मुझे ये एक फ़ोन चाहिए था। ये है नोकिया N91 8GB मॉडल। सो यहाँ पे दो मॉडल आता है, 4GB और एक 8GB, तो ये है 8GB का मॉडल। ये भी मुझे अराउंड लाइक ये फ़ोन का एक प्रॉब्लम है, ये कोड लॉक्ड है, मतलब इस ये जब तक मैं इसका कोड अनलॉक नहीं करता ये इसे यूज़ नहीं कर सकता मैं फ़ोन को, बट मे भी शायद वो रजिस्टर मेथड से मैं इसको फ्यूचर में अनलॉक करके इसका बॉडी पैनल चेंज करके काफ़ी अच्छा बना के इसे भी एक कलेक्शन में ऐड कर सकता हूँ। पर फाइनली मेरे पास एक N91 आ चुका है, भले ही थोड़ा डैमेज हो बट स्टिल वर्किंग फोन, इट्स अ वर्किंग फोन। अब ये वाला एक फ़ोन है, आपको पता है ये कौन सा फ़ोन है, लेट मी शो यू। ये है नोकिया N97। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मेड इन फिनलैंड। तो
थोड़ा सा डैमेज है, लाइक ये इसका फ्रेम निकल चुका है टच। सो इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें इसका टच नहीं काम कर रहा है, इसका स्क्रीन में थोड़ा सा बर्न आउट है। मे बी शायद इसमें अगर बैटरी रहा तो मैं बता सकूँ। इसका वीडियो मैं बाद में लेके आ जाऊँगा, पूरा फुल वीडियो। अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो। सो ये है N97, ये भी यूज़र लॉक था, मैंने आज इसे रजिस्टर मेथड से इसे अनलॉक कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट ये अनलॉक हो चुका है। सिर्फ अभी इसका टच पैनल और इसका स्क्रीन चेंज कर दिया, बॉडी थोड़ा फिट परफेक्ट कर दिया, तो ये प्रॉपर हो कंडीशन हो जाएगा। तो ये भी एक कलेक्शन में ऐड हो गया। मुझे एक चाहिए था कि एक क्वालिटी वाला फ़ोन जो जो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, लाइक N97, पर ये फेल हो चुका था मार्केट में, बिकॉज इस ये लाइक इसके कॉम्पिटिटर में आईफोन था ना। आईफोन का पता है आप कितना अच्छा फ़ोन है। हाँ, ये N91 का बैक साइड है, बिकॉज का कवर घूम गया तो मुझे ये मिल से ये पार्ट मिला। देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होता है। अब आते हैं सबसे अच्छे फ़ोन का। ये है नोकिया N8 ब्लू में। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट रील बनाया था जो आप देख सकते हो इसके प्री इससे पहले वाले वीडियो पे। तो ये है नोकिया N8, लेट मी शो यू, ये ऑन करके दिखा सकते हो। आई गेस इसका बैटरी ख़त्म हो चुका है। ये है नोकिया N8। मेरे पास और एक मॉडल और एक पीस है जो है ब्लैक में। मैंने ये दो दो नोकिया N8 उठाया, और एक अच्छी बात ये है कि मेरे पास और एक N8 है, तो आई हैव लाइक टोटल 3 N8। सो दिस इज़ माई फ़ोन, ये जो मैंने लाइक 2011 या 12 में ख़रीदा था, ये मेरा मेन फ़ोन है। लाइक मेरा फ़ोन है जो मैंने ख़रीदा था बैक इन 2011। ये भी काफ़ी अच्छा कंडीशन में ही है, ये लाइक सब ओरिजिनल है। तो मुझे इसका एक कॉपी बना के रखना था, कि तो मैंने ये एक उठाया, पर मुझे साथ में ये अच्छा डील मिला। ये मुझे 2,500 में मिला और ये मुझे 1,200 में मिल गया। तो मुझे ये वाला डील बाद में मिला, तो मुझे ये डील लेना पड़ा। अगर मुझे पहले ये डील मिल जाता तो मैं इसे ख़रीद लेता, इसे नहीं ख़रीदता। बट अभी क्या करें, दो फ़ोन हो चुका है, बट अच्छा है। तो ये मे भी शायद इन फ्यूचर मैं इसे बेच दूँ या इसे बेच दूँ, पर करंटली मुझे एक फ़ोन बेचना रहेगा फ्यूचर में। लेट्स सी, देखते हैं ये दो फ़ोन चलता है। और सबसे अच्छी बात है इसमें डिलाइट सॉरी इसमें कस्टम फर्मवेयर डाला हुआ है, और इसमें सिम्बियन एना है, मतलब पहला वाला वर्जन सिम्बियन 3 का, जो लाइक एकदम स्टार्टिंग वाला वर्जन जो काफ़ी बेकार है, लाइक बहुत इश्यूज है वो वाला वर्जन। और इसमें डिलाइट किसने कस्टम फर्मवेयर डाल दिया है इस फोन किसी ने कस्टम फर्मवेयर डाल दिया है इस फ़ोन में। ये भी ओके इश है। और इसमें और मेरा जो फ़ोन है दिस वन, इसमें ओरिजिनल फाइनल वर्जन ऑफ नोकिया का सिम्बियन 3 का फर्मवेयर है। आई हैव 3 डिफरेंट फर्मवेयर इन दिस फ़ोन। देखते हैं कि कैसे इसे यूज़ करके देखता हूँ, फिर नहीं पसंद आया तो मैं इसे भी लेटेस्ट OS में ट्रांसफ़र कर दूँगा। ये दो फ़ोन हो चुका है। अब आते हैं इसके बड़े भाई पे। ये देखो, लेट मी जूम इन, नोकिया E7। ये थोड़ा महंगा मिला, बट ओवरऑल इसे मैंने रबर बैंड यू इसीलिए बांधा बिकॉज ये ओपन पीस था, जो भी जहाँ से मैंने ख़रीदा इसने ओपन दिया था। बिकॉज इसमें एक इशू है जो लाइक मे बी आई विल ट्राई टू फिक्स इट, मैं शायद फिक्स कर पाऊँ इसे, कि इसमें जब भी मैं इसे चार्ज करता हूँ तो ये लाइक 2 मिनट के लिए चार्ज होता है, फिर ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो दैट्स वाई मुझे इसका ये ओपन रखा है, बिकॉज इसका बैटरी कभी भी लो हो जाता है तो इसे ओपन करके चार्ज कर सकते हैं बैटरी को अलग से, फिर यहाँ पे इसको वापस फिट कर सकते हैं। तो ये मुझे भी फ़ोन चाहिए था, बिकॉज इसमें लेट मी शो यू, अगर मैं दिखा पाऊँ तो कैसे ओपन कर, ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे ओपन करने का। ये रहा क्वालिटी वाला फ़ोन सिम्बियन। ये लास्ट वन ऑफ द लास्ट सिम्बियन फोन्स थे, इससे बाद भी निकला था, बट लाइक दिस वाज वन ऑफ द लास्ट
बिजनेस फोन बोल सकते हो। सो ये भी चलता है, ये ऐसा नहीं है कि ये बंद है, ये भी चलता है। इसे भी थोड़ा टाइम लगता है चलने को। सो देखो यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, मैं इसे बांध के रख रहा हूँ बिकॉज ये दोनों का स्क्रू यूज़ नहीं किया है तो नीचे गिर सकता है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये भी करंट चालू कंडीशन वाला फ़ोन है, तो ये भी मैंने मेरे कलेक्शन के लिए मैंने ये इसे ख़रीदा है। तो ये मुझे अराउंड 1500 के आसपास प्राइस गया। सो ये भी चालू फ़ोन है जैसे कि आप देख सकते हो। लेट मी फोकस दिस फोन। तो ये चालू फ़ोन है, तो इसे भी मैं ट्राई करूँगा फिक्स करने के लिए। अगर ये भी फिक्स हो गया तो बढ़िया। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द फ़ोन में कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, लाइक मोस्ट ऑफ़ द फ़ोन्स में, बट सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे काफ़ी सस्ते में मिला है। और फाइनल फ़ोन ये है, वन ऑफ द बेस्ट लिनक्स फ़ोन। सो ये मुझे काफ़ी पसंद था। मेरे पास ये एक्चुअली ऑलरेडी एक फ़ोन था, बट द प्रॉब्लम ये हो गया था कि वो मेरे पास सेम टू सेम नोकिया N900 है। मैं बताता हूँ। सो ये है मेरा नोकिया N900 पहले वाला फ़ोन, बट ये फॉर सम रीज़न ये ऑन होना बंद हो गया। इसे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे लाइट तो जलता है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, बट ये ऑन नहीं होता। सो फ्यूचर में मैं भी इसको फिक्स करूँगा। और इसका यहाँ पे और एक प्रॉब्लम था कि इसका टच पैनल जो है काफ़ी स्क्रैच्ड है, और इसका टच पैनल मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है अभी। तो मैंने सोचा कि एक फ़ोन क्यों ना उठा लूँ, और मुझे ये फ़ोन काफ़ी सस्ते में मिल गया, लाइक 1500 में मुझे ये फ़ोन मिला। बहुत सारी जगह पे 3000-4000 का प्राइसिंग पे रखा है, मतलब बिक रहा है, पर मुझे ये लकीली 1500 में मिला। एंड ये वर्किंग कंडीशन फ़ोन है, प्रॉपर फ़ोन। इसका भी स्क्रीन थोड़ा सा स्क्रैचेस है, बट अभी ये करंट टाइम पे लाइक ब्रांड न्यू मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट, और मिल भी जाए तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन, मतलब बेस्ट लिनक्स फ़ोन बोल सकते हो, तो इसीलिए मैंने इसे उठा लिया। मैं इसे शायद एज अ साइड में इसे यूज़ करने लगूँगा बिकॉज मैं थोड़ा लिनक्स पे भी काम कर रहा हूँ, तो मे भी शायद मैं इस पर ऐसे इसका टर्मिनल यूज़ करूँ। लेट मी शो यू समथिंग इसमें भी। ये हाँ, और ये है, ये रेजिस्टिव टच है, नॉट अ कैपेसिटिव लाइक दिस फ़ोन। तो ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, और ये वाला फ़ोन रेजिस्टिव टच है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसमें टच करना, मतलब टच यूज़ करना लाइक काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पर स्टिल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन। तो मैंने ये वाले कलेक्शन में चाहिए था, थोड़ा महंगा था कंपेयर टू दिस फ़ोन, बट स्टिल आई वॉन्टेड दिस फ़ोन। मैं तो गया था सिर्फ, मैं जहाँ पे ये लेने गया था तो मैं सिर्फ इसके लिए गया था, ये फ़ोन के लिए 2300, बिकॉज मुझे ये चाहिए था, बिकॉज ये मेरा पहला फ़ोन था और मुझे इसका एक कॉपी चाहिए था, तो मैंने इसी के लिए गया था। पर वहाँ पे गया, उसके पास गया था काफ़ी सारे फ़ोन्स थे, काफ़ी सारे, लाइक उसका एक अलग कलेक्शन था, उसकी ब्रांड, उसके जो कलेक्शन थे वो काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे, लाइक द मिंट कंडीशन वाले फ़ोन्स थे। तो मुझे भी ऐसे इच्छा है कि मैं भी ऐसे मिंट कंडीशन वाला फ़ोन ढूंढ के निकालूँ, बट डिफ़िकल्ट है आज के टाइम पे मिलना। तो मैंने यूजुअली मेरे को जो पसंद है मैंने सारे उठा लिया, भले ही कुछ प्रॉब्लम्स हो इस फ़ोन्स में, बिकॉज को इसे ये सब लगा ये फ़ोन ऑन है, इसमें कुछ माइनर चीज प्रॉब्लम्स है तो उसे फिक्स कर सकते हैं। तो इसे मैं ये फ्यूचर वाले वीडियोज़ में काफ़ी सारे ऑलमोस्ट ऑल द फ़ोन्स को मैं फ़िक्स करूँगा, मोस्टली तो इसे पहले फ़िक्स करूँगा बिकॉज इसका मैंने कोड अनलॉक कर दिया है और ये फ़ोन स्टार्ट भी हो चुका है, तो इसे ऑन कर दूंगा। देन ये तो लाइक लगभग चलता हुआ फ़ोन है, तो इस पर कुछ है इशू नहीं है। मे बी शायद मैं इन दोनों को मिला के कुछ अच्छा, लाइक जो भी इसमें अच्छे अच्छे पार्ट्स है वो दोनों को निकाल के एक प्रॉपर फ़ोन बना दूंगा, और एक इसका एज अ पार्ट्स के लिए रख दूंगा। फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं उसे पार्ट्स की तरह यूज़ कर सकता हूँ।
पर ये वाला फ़ोन काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। चलो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो ये रहा सारे फ़ोन्स मेरे जो मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे मैं और भी ऐसे और एक बॉक्स आने वाला है वेरी सून, एंड लेट्स सी कि उसमें क्या है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप इसे फॉलो इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, और वो वीडियो भी जल्दी आने वाला है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।